रिजाइन सबमिट कर दिया है स्पीकर के बाद, इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आप उन्होंने सरकार पर, मुख्यमंत्री पर विशेष रूप से आरोप लगाए हैं कि वो एक डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहे थे, इसलिए हम मोदी की लीडरशिप में आगे जनता के सामने जाना चाहते हैं, जनता के हित में ये रिजाइन कर रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, वो तो आजाद प्रत्याशी थे, मुख्यमंत्री से किस प्रकार का संबंध था? वो तो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते होंगे। जब आजाद प्रत्याशी थे तो उनको रिजाइन नहीं करना चाहिए था, और उनको जनता की भावनाओं के अनुसार कार्य करना चाहिए था। अब क्यों आजाद प्रत्याशी क्यों रिजाइन कर रहा है, ये गहराई से छानबीन करने की जरूरत है आप लोगों को भी, कि क्या कहीं नोटों के दम पर तो नहीं उन्होंने अपने ईमान को गिरवी रख दिया था और दबाव इतना था कि उनको इस्तीफा देना पड़े? वो तो ना कांग्रेस के थे ना भारतीय जनता पार्टी के थे, उन पर किस प्रकार का दबाव था? क्या किस प्रकार से वो आगे इस प्रकार के बात रिजाइन कर ले? और आप ही हेलीकॉप्टर में रहे हैं, और आप ही CRPF की सिक्योरिटी में आ रहे हैं, और जा भी हेलीकॉप्टर में रहे हैं, तो आप बताइए इतना सारा धन का प्रयोग क्या लोकतंत्र के लिए अच्छा है? और किस तरह वो चुनाव जीत कर अगर आजाद प्रत्याशी आते हैं और आजाद चुनने के बाद वो फिर उस क्षेत्र की जो 25-30 हज़ार लोगों ने जिन्होंने उनको वोट डाला है, जिनके दम पर वो चुन कर आए, उनकी भावनाओं से तो नहीं खिलवाड़ कर रही है आजाद प्रत्याशी? तो ये चीज़ें समझने की जरूरत है। और हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश है, हिमाचल की जनता इसको कभी सहन नहीं करेगी। और मुझे आप ही के द्वारा पता लगा कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो कुछ गलत किया होगा ना तभी दिया इस्तीफा, सही करने वाले क्यों नहीं देते इस्तीफा? भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा? तो किसी न किसी तरह जब ये लोग देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये देखती है कि जनता के वोट से जब इन्हें सत्ता नहीं मिलती, जनता के वोट से सत्ता में नहीं आते, तो कोशिश ये की जाती है कि नोट के दम से सत्ता हथियाई जाए और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जाए। धन्यवाद। आप जानते हैं कि जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव आते हैं तो हर प्रकार के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनाती है। इन्हीं हथकंडों के अनुरूप एक हथकंडा जो हमारा जनता के द्वारा पैसा इकट्ठा किया जाता है, दान के द्वारा पैसा इकट्ठा किया जाता है, और उसको हम एक जो AICC का ट्रेजरी है उसमें जमा करवाते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेंबरशिप के फॉर्म पैसे जमा होते हैं, सभी प्रकार के जो हमारे पैसे जमा होते हैं वो हमारे एक बैंक में जमा होते हैं, और इनकम टैक्स ने उस पर कार्रवाई की है, और कार्रवाई करते हुए हमारा जो बैंक अकाउंट है वो सील कर दिया है, जो कि राजनीतिक रूप से ठीक नहीं है। मेरा ये भी मानना है कि चुनावों के वक्त इस प्रकार के हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए, ताकि जो खर्चा हमारा प्रत्याशियों के पर खर्च होना है या हमारे प्रचार प्रसार पर खर्च होना है, उस पर इस प्रकार का प्रतिबंध लगाकर भारतीय जनता पार्टी ये दर्शाने की कोशिश कर सकती है कि इन हथकंडों से वो सत्ता प्राप्त करना चाहती है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है और कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। हमारा ये राजनीतिक सोच से ना तो किसी पार्टी पर दबाव डाला जा सकता है और ना ही पार्टी इस प्रकार के हथकंडों से घबराने वाली है। इस प्रकार के हथकंडे कई बार अपनाए जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको दबाव डालें, उनके जो अकाउंट्स हैं उनको सीज कर दे, अकाउंट्स बंद कर दे। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी अकाउंट में पैसा होता है उसका पाई पाई का हिसाब इनकम टैक्स के पास पार्टी हमेशा जमा करवाती है, हर साल इनकम टैक्स की रिटर्न जाती है, कोई पहली बार नहीं है। तो ये चुनावों के वक्त इस प्रकार का हथकंडा अपनाकर जो अपनी राजनीतिक रोटियाँ सीखना चाहते हैं
वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। विपक्षी दल है, सबसे बड़ा विपक्षी दल हिमाचल हिंदुस्तान का कांग्रेस पार्टी है। मैं सीटों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन पूरे हिमाचल हिंदुस्तान में अगर कोई प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी अगर एक है वो तो कांग्रेस पार्टी है। तो इस दृष्टि से हम पूरी कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। इस संदर्भ में हमने ये बार प्रेस वार्ता बुलाई थी। चुनावों में मुद्दे राज्यों के अलग होंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ 75 साल के इतिहास में इस प्रकार का नहीं हुआ। जनता सब जानती है, हिमाचल की जनता बड़ी जागरूक है, इसलिए वो पाँच साल के बाद दूसरी बार चुनके भेजती है। तो इसलिए आप अभी धीरे धीरे जहाँ भी मैं गया हिमाचल प्रदेश में, तो मुझे ये लगा कि जनता का मन है और जनता ये मानती है कि चुनी हुई सरकार को गिराना लोकतंत्र के हित में नहीं है। देखिए जो भी है वो गलत हुआ है, और जब इस प्रकार से चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, तो उस प्रकार उस पद की गरिमा का भी अपमान है। और उसमें कोई डायरेक्ट हाथ तो मेरे ख्याल दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का नहीं था, लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध भी हो सकता है। धन्यवाद। आप सब लोगों को स्नैक्स और चाय के लिए आमंत्रित करते हैं, प्लीज।